हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। प्राचीन परंपराओं से लेकर अभूतपूर्व उपलब्धियों तक भारत वंडर्स और विविधता का देश है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे छिपे हुए रत्नों और अनसुनी कहानियों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो इस देश को वाकई असाधारण बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि शतरंज का खेल, जो रणनीति और बुद्धि का प्रतीक है, एक्चुअली भारत में ही ओरिजिनेट हुआ था। प्राचीन काल में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। यह युद्ध और कूटनीति का खेल था जिसके पीसेस उस समय के सैन्य डिविजन से इंस्पायर्ड थे। चतुरंग भारत से ट्रेड रूट्स के साथ फैला और सदियों में विकसित होकर वह गेम बना जिसे आज हम जानते हैं और पसंद करते हैं। शतरंज भारत की निरंतर चली आ रही नवाचार और बौद्धिक प्रतिभा की विरासत का प्रमाण है। ये इस बात की याद दिलाता है कि जिन चीजों को हम हल्के में लेते हैं उनका इतिहास भी बहुत ही रोचक और अप्रत्याशित हो सकता है। श्रीनगर में डल झील की खूबसूरती के बीच आपको एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो आकर्षक और अनोखी दोनों है, एक तैरता हुआ डाकघर। जरा सोचिए, हिमालय की चित्र परिदृश्य के साथ एक पोस्टकार्ड भेजना और झील का धीमा हिलोरा इस अनुभव को और भी खास बनाता है। यह तैरता हुआ डाकघर नए हल ढूंढने और अपने विविध भूभाग के साथ तालमेल बिठाने की भारत की क्षमता का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप कोई चिट्ठी डाक करें तो इस तैरते हुए डाकघर के बारे में जरूर सोचें, जो भारत की कुशलता का प्रतीक है। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में मासिनराम स्थित है, जो दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। लंदन की हल्की बूंदाबांदी को भूल जाइए, यहां तो बारिश ही कुछ और ही लेवल की होती है। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां छाते लगभग जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मासिनराम में हर साल औसतन 467 इंच बारिश होती है, जिससे यहां की पहाड़ियों से झरने गिरते रहते हैं। यहां इतनी ज्यादा बारिश इसकी अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण होती है, जहां खासी पहाड़ियां नमी से भरी मानसूनी हवाओं को रोक लेती है। तो अगली बार जब आप बारिश के दिन के बारे में शिकायत करें तो मासिनराम के बारे में सोचें, जहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक तरह से जिंदगी है। मलाईदार करी से लेकर मीठे मिठाइयों तक, दूध भारतीय खाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भी है, जो वैश्विक डेयरी उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्वादों की यह विविधता वाला देश एक डेयरी पावर हाउस भी है। छोटे किसानों से लेकर बड़ी डेयरी सहकारी समितियों तक, दूध उत्पादन भारत के कृषि परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है, जो लाखों लोगों की आजीविका का सहारा है। दूध उत्पादन में भारत का प्रभुत्व इसके मेहनती किसानों और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करता है। तो अगली बार जब आप एक गिलास दूध का आनंद लें या किसी स्वादिष्ट डेयरी मिठाई का स्वाद लें, तो इस महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत को दुनिया तक पहुंचाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखें, जो हमारे पाक अनुभवों को समृद्ध बनाता है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अपनी अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब एक सामान्य साइकिल से शुरू हुआ था? 1963 में भारत के पहले रॉकेट को एक सामान्य साइकिल पर लॉन्च साइट तक ले जाया गया था। यह क्षण एक अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत थी। साइकिल पर ले जाए जा रहे रॉकेट की यह प्रतिष्ठित तस्वीर नवाचार और दृढ़ संकल्प की भावना को दर्शाती है, जो भारत की अंतरिक्ष यात्रा को परिभाषित करती है। उन विनम्र शुरुआत से भारत एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। उपग्रहों को लॉन्च करना, चंद्रमा की खोज करना और यहां तक कि मंगल ग्रह के लिए मिशन भी भेजना, असंख्य वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के समर्पण और कड़ी मेहनत ने यह संभव बनाया है। साइकिल रॉकेट एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करता है कि कुशलता और दृढ़ता के साथ सबसे महत्वाकांक्षी सपने भी उड़ान भर सकते हैं। यह मानवीय महत्वाकांक्षा की शक्ति और अन्वेषण की अटूट भावना का प्रमाण है, जो हमें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और ऊंचा उद्देश्य रखने के लिए प्रेरित करती रहेगी। भारत में शाकाहार का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है, जिसकी जड़ें प्राचीन दर्शनों और धार्मिक विश्वासों में हैं। समोसे से लेकर करी तक, डोसा से लेकर उत्तपम तक, भारतीय शाकाहारी खाना स्वाद और बनावट का एक अद्भुत मिश्रण है।
यह गहरी जड़ों वाली शाकाहारी परंपरा सभी जीवित प्राणियों के प्रति गहरे सम्मान और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाली पहली एजेंसी बनी। वैज्ञानिक अन्वेषण के इस अविश्वसनीय कारनामे ने अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नेता के रूप में भारत को वैश्विक मानचित्र पर ला दिया। इस खोज ने चंद्र अन्वेषण के लिए नई संभावनाओं को जन्म दिया, संभावित रूप से चंद्रमा पर भविष्य में मानव बस्तियों का मार्ग प्रशस्त किया। भारत की उपलब्धि उसकी वैज्ञानिक प्रतिभा और मानव ज्ञान की सीमाओं को पीछे छोड़ने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। तो अगली बार जब आप चंद्रमा की ओर देखें, तो याद रखें कि उसके रहस्यों को उजागर करने में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल से बढ़कर है, यह एक जुनून है और इस प्यारे खेल का आनंद लेने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदान से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 2,444 मीटर की ऊंचाई पर लुभावने हिमालय के बीच स्थित है चैल क्रिकेट ग्राउंड। 19वीं सदी के अंत में एक महाराजा द्वारा बनाया गया यह सुरम्य मैदान सबसे असामान्य जगहों पर भी क्रिकेट के प्रति भारत के जुनून का प्रमाण है। चैल क्रिकेट ग्राउंड सिर्फ एक खेल स्थल नहीं है, यह असाधारण जगहों पर भी खुशी और कैमराडरी खोजने की भारत की क्षमता का प्रतीक है। यहाँ खिलाड़ियों और दर्शकों को अलाइक आश्चर्यजनक दृश्यों और एक अनोखे अनुभव का इलाज मिलता है। तो अगली बार जब आप कोई क्रिकेट मैच देखें, तो चैल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में सोचें, जहां खेल के लिए प्यार नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरह से। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये रोचक बातें पसंद आई हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत असीम आश्चर्यों का देश है और हमने इसकी रोचक कहानियों और छिपे हुए रत्नों की सतह को ही छुआ है। और जैसा कि वादा किया गया था, ये रहा आपके लिए एक बोनस फैक्ट, भारत में हाथियों के लिए भी एक स्पा है। अगली बार मिलते हैं।